अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर विद मेहर बुखारी। कल आपने बातें सुनी सुर्ख धमाल के हवाले से, आपने सुना हुक्मरानों को कि जो सुर्ख धमाल का सुन के कांप उठे, परेशान हो गए, और हमने बात की कि हमारी आजमाइशें कम कब होंगी, पहला कदम आवाम उठाएगी या हुक्मरान उठाएंगे। उसी सिलसिले में बात आगे बढ़ाने से पहले आज की तारीख, आज के दिन को मद्देनजर रखते हुए एक किस्सा सुनाना चाहूंगी नाजरीन, और ये उस दिन की बात है कि जब मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के बाद वतन वापस लौट रहे थे। पाकिस्तान में ताकत के सारे मराकज में गहमा गहमी थी, लेकिन वजीर आजम हाउस में कदरे सुकून था। शौकत अजीज अपनी लीगल टीम के हमरा बैठे सलाह मशवरा कर रहे थे कि अगर नवाज शरीफ साहब को वतन दाखिले की इजाजत ना दी गई तो बहाल शुदा चीफ जस्टिस उनकी हकूमत के साथ क्या सलूक करेंगे। इतनी ही देर में वजीर आजम की हॉटलाइन की घंटी बजी और वजीर आजम ने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से जो कहा गया वो उस वक्त तक किसी को नहीं पता था। अलबत्ता वजीर आजम का मौदबाना लबो लहजा सब सुन रहे थे। जी 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 सर जी, अभी हो जाता है सर जी जी जी, बिल्कुल समझ गया सर, अभी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑर्डर देता हूँ, वो सेक्रेटरी दिफा को ये कह देंगे और वो आप तक एक रिपोर्ट भिजवा देंगे। जी सर समझ गया जी। बात मुकम्मल होने के बाद नाजरीन वजीर आजम ने रिसीवर रखा और अपनी लीगल टीम के हेड को एक तरफ ले गए, उनसे कुछ कहकर वजीर आजम दूसरे कमरे की तरफ चले गए। वजीर आजम के जाने के बाद उनकी लीगल टीम के हेड ने अपने जूनियर से कहा चलो काम खत्म हो गया है। जाते हुए लीगल टीम के एक रुकन ने अपने बॉस से पूछा सर क्या हुआ, सारा काम एकदम से कैसे खत्म हो गया। नाजरीन वफाकी वजीर के दर्जे के इस लीगल हेड ने अपने जूनियर को मुखातिब करते हुए कहा मेरी जान यहाँ यूं ही काम चलते हैं। वजीर आजम को ISI के DG का फोन आया था, वो उनसे PIA का एक तैयारा मांग रहे थे। वो क्यों, जूनियर का सवाल था। साहब ने कहा ये तो वजीर आजम ने उनसे पूछा नहीं, बस ओके कर दिया, तुमने देखा ना। हाँ सर वो तो है, लेकिन सर इस जहाज से क्या करना है। साहब ने जवाब दिया यार तुम भी बड़े सीधे आदमी हो, करना क्या है, नवाज शरीफ एक जहाज से उतरेंगे और इस तैयारे से वापस भिजवा दिए जाएंगे और क्या। जूनियर ने आंखें फाड़ते हैरान होकर पूछा सर ये तो तौहीने अदालत है। साहब ने कहा हाँ तो इसमें क्या है। जूनियर परेशानी में हकला रहा था नाजरीन, साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा मेरे भाई परेशान नहीं होते, पावर गेम्स में ऐसा ही कुछ होता है। जूनियर ऑफिसर ने पूछा कि सर क्या होता है, क्या DGISI और वजीर आजम को तौहीने अदालत का खौफ नहीं। साहब हंस पड़े और कहा कि नवाज शरीफ को वापस भिजवाने का फैसला जिसका है उसने DGISI को बता दिया और DGISI ने वजीर आजम से फरमाइश कर डाली, अब हर सरकारी खाते में नाम वजीर आजम का ही आएगा, DGISI या जनरल मुशर्रफ का नहीं। अब हुकूमत वजीर आजम की ही है बच्चे, उन्हीं के जरिए तौहीन अदालत की जाएगी, DGISI कहीं भी ऑन रिकॉर्ड नहीं होंगे, कोई इनसे जवाब तलबी नहीं करेगा। रहे वजीर आजम तो सिर्फ चंद संदूक हैं, वो उठाकर वहीं चले जाएंगे जहां से आए हैं। और फिर ऐसा ही हुआ नाजरीन, वजीर आजम जैसा कि आप जानते हैं शौकत अजीज थे और लीगल टीम के हेड थे मलिक मोहम्मद कयूम। कल अकबर बुगटी कत्ल केस में क्वेटा हाई कोर्ट के रूबरू इसी साबिक वजीर आजम ने तहरीरी बयान दिया है नाजरीन कि अकबर बुगटी जिस ऑपरेशन में कत्ल हुए वो उनके हुक्म से नहीं हुआ था बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ के हुक्म से हुआ था। अदालत ने हुकूमत को यह भी हुक्म दे दिया है नाजरीन के ऐवान सदर और वजीर आजम सेक्रेटेरियट से जारी होने वाले अहकाम और मीटिंग मिनट्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया जाए ताकि पता ये चल सके कि हुक्म आखिर था किसका। इसके साथ अदालत ने हुकूमत को यह भी हुक्म दिया है कि अकबर बुगटी के कातिलों को वतन वापस लाने के इकदाम किए जाएं। इस रिकॉर्ड से क्या निकलेगा ये तो आपको पता चल ही गया होगा, शौकत अजीज साहब की मर्जी थी या नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन के परवाने पर दस्तखत उन्हीं के निकलेंगे। नाजरीन आज 3 नवंबर है, 4 साल पहले इसी रोज अकबर बुगटी के कत्ल का हुक्म देने वाले आमिर ने दोबारा आइन को पामाल कर डाला, जज कैद में डाल दिए और अपनी हुक्मरानी का रास्ता सीधा कर दिया। वक्त बदला, वो आमिर वक्त जिसके लहजे में कभी खुदा बोला करता था वतन आने के सिर्फ दावे कर रहा है, हिम्मत नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर चुकी है, लेकिन किसी को जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जुर्म का इर्तकाब करने वाले को कटहरे में लाने का सोच भी ले, क्योंकि यहां का रियासती निजाम सबसे बड़ी रुकावट है। मगर कोई बात नहीं, आखिर कब तक, कभी तो खल्के खुदा का हुक्म लगेगा, कभी तो अहले हुक्म के सरों पर बिजली कड़कड़ कड़केगी, कभी तो खल्के खुदा भी राज करेगी, आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं आखिर कब तक। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। शेख साहब एक सेकंड, आपकी बात कोई आगे बुखारी साहब करना चाह रहे हैं। जी हबीब बैंक का तज़किरा शर्जील मेमन साहब बार बार कर रहे हैं, मैं आपको उसकी हकीकत बताना चाहता हूं। जी उस बैंक को 24 अरब रुपए में बेचा गया जबकि उस वक्त उसके एवेल्यूएटेड एसेट की जो कीमत थी वो थी 94 अरब रुपए, 94 बिलियन।
करने जिसने खरीदा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारी दुनिया जानती है, उसने 6 अरब रुपए की पहली किस्त अदा कर दी। उसके बाद साल का मुनाफा आया 24 अरब रुपए उस बैंक का, उसमें से 19 अरब की अदायगी करके उन्होंने बैंक पर कब्जा कर लिया, यानी 6 अरब रुपए में वो बैंक बिका है। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 साल से इसके ऊपर कोई तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, ये भी अवाम उनसे पूछेंगे। एक बात, दूसरी बात मुझे अर्ज करनी है, ये जो अदारों के हवाले से शर्जील मेमन साहब का कहना है, जब इनको हुकूमत मिली थी पीआईए का ये हाल नहीं था, रेलवे का ये हाल नहीं था, स्टील मिल का ये हाल नहीं था, एनआईसीएल का ये हाल नहीं था, केईएससी का ये हाल नहीं था, ओजीडीसी, जितने कमाऊ पुत्र शेख रशीद साहब ने कहे हैं, उन सब की बर्बादी एंड क्लोजेस्ट टू डिजास्टर है वो। एक बात, दूसरी बात ये कि इन्होंने, चलिए अदारे जो हैं वो अपनी मौत शायद खुद मर रहे हों बकौल इनके, इन्होंने कराची का क्या हाल किया? कराची इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इन्होंने उसका हल ये किया कि बराबर के टेररिस्ट इकट्ठे करके, मिलिटेंट्स इकट्ठे करके स्टेक होल्डर बन गए हैं वहां बजाय मसले को हल करने के। कहने का मतलब ये है कि ये जिस जिस तरफ आप नजर दौड़ा लें, कहीं कहीं गवर्नेंस का नाम या कहीं करप्शन ना हो, इतनी रैम्पेंट करप्शन पूरी दुनिया के नक्शे पर आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी यहां पर आज है। और अच्छा, और एक बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि माजी में यह होता था कि अगर आप किसी पर करप्शन का इल्जाम लगाते थे, वो थोड़ा सा सर झुका के शर्मिंदगी से इधर उधर होता था। जिस ढिटाई से करप्शन को डिफेंड किया जा रहा है उसकी मिसाल भी पूरी दुनिया में। आखिरी जुमला, राणा सनाउल्ला साहब ने कहा कि हम सुर्ख धमाल चाहते हैं, इन्हें चाहिए था अपने लीडर की तकरीर सुन लेते, वो जो इस मुल्क के सदर को उल्टा लटकाने वाले थे वहां, वो वोट है, सुर्ख धमाल है या सब्ज धमाल? नहीं, बात ये है कि मेरे लीडर ने भी और मेरी जमात ने भी कभी ये ना चाहा है ना कहा है कि हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तब्दीली चाहते हैं, वो हम कोई मार्शल ला चाहते हैं, किड़ा इजाजत देता है उल्टा लटकाना। बात यह है कि वो तो एक महावरतन बात हुई ना, बात यह है कि चोरों को, करप्ट लोगों को, डाकुओं को उल्टा लटकाया जाता है, चोरों डाकुओं को उल्टा लटकाया जाता है, लेकिन बात यह है कि हम ऑन रिकॉर्ड है कि तब्दीली आएगी, लेकिन आईन के तहत और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत आएगी, हम किसी को मुहिम जोई नहीं करने देंगे। खादिम आला की असलियत बताना चाह रहे हैं आप, ये क्यों नहीं कहते कि आप वापस जाना चाह रहे हैं आपको मेहर साहब दोस्ती के लिए? जी शेख साहब, क्या कौन वापस जाना चाह रहे हैं दोस्ती के लिए? आप देखें ये सूरत हाल देखें, जो अब इस वक्त इन्होंने मूव चलाई है, इसको ये स्लो डाउन करने जा रहे हैं, और स्लो डाउन करने की वजह एक इमरान खान का जलसा है, और ये इस तजबजब का शिकार हो गए हैं कि हमने अगर इस चीज को जला दी तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे। मुझे मेरी बहन से इतराज ये है, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, उसकी सही बात है जो जरदारी साहब कहते हैं कि मियां साहब ने, उन्होंने कहा था पहले तोड़ी बारी थे फिर हमारी, फिर देखो आसफ साहब ने कहा उनकी और मियां नवाज शरीफ की आपस में बात है, मैं तो सियासी बात कहना चाहता हूं मेहर बहन के, मैंने कुछ नहीं सुना कि क्या कहा है, लेकिन मैं ये अपनी सियासी सोच से कह सकता हूं कि ये मूवमेंट जो है ये स्लो डाउन होने जा रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता, अच्छा आगे जाएगी मुहर्रम के बाद, अब इबाने सदर पहुंच रहे हैं, बिल्कुल आगे जाएगी मुहर्रम के बाद, और जहां तक इमरान खान का जलसा, जो वो एस्टेब्लिशमेंट का जलसा जो उन्होंने किया है उसका हमें कोई भार नहीं है, उसकी वजह से हमारी कोई स्ट्रेटजी जो है वो जो लेफ्ट नहीं, लेकिन आप बोले, लेकिन आप हमारे फैसले खुद ना करें कि हमने स्लो डाउन करनी है या अपग्रेड करनी जी है। मेमन साहब आप जवाब दें, खादिम आला के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे थे, मगर एक बात रिकॉर्ड पे डाल दो, एक बात रिकॉर्ड मेमन साहब, एक बात रिकॉर्ड पे, राणा साहब कह रहे हैं कि एक मुंतखब सदर को भट्टी चौक में कहा है कि उल्टा लटकाना, ये भट्टी चौक में उल्टा लटकाना है ये गैर आइनी बात नहीं है, महावरतन बोला था बस, तो दिल पे ना लीजिएगा। चले वो महावरतन कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको तो माफ है, राणा साहब तो किसी को वाजिबुल कत्ल भी कह सकते हैं और फिर वो कत्ल हो भी जाता है, वो भी महावरतन होती है। वो सुप्रीम कोर्ट से आपकी दरखास्त खारिज हो गई है। चलिए तयागत भाई मेरा नहीं है ना वहाँ पे कोई, राणा साहब अगर मेरा तयागत भाई वहाँ बैठा होता तो मेरी भी खारिज हो जाती, बिल्कुल आज तक वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली चल रही है। अगर आपका भाई बैठा होता तो आप ये करप्शन का करके जवाब कर रहे हैं राणा साहब, चीफ जस्टिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं मेमन साहब, तयागत भाई बना दिया। अगर मेमन साहब टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते तो मैं बात कर सकते हैं, मैं आपको मजा वाली बात बताऊं, मैं सारे मेहमानों को गुजारिश करूंगा सुनिएगा, मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इस तरह पेश किया गया जिस तरह मुजरिम नहीं होता कटहरे में, इस तरह मैं गया राणा सनावला साहब के खिलाफ जब दरखास्त गई तो इनको चैंबर में बुला के इज्जत के साथ चाय पिलाकर और फिर इनका इनकी वो दरखास्त भी खारिज हो गई,
तो ताजाद भाई अगर मेरे होते तो मेरी दरखास्त भाई झूठी थी ना, और मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, मेरी सच्ची थी, मेरी सच्ची थी, बिल्कुल आपकी सच्ची थी। ओपन कोर्ट में चाहिए थी ना, क्या सुनने जी, उन्होंने दरखास्त दायर ही नहीं की। चले उन्होंने कोई पिटीशन दायर नहीं की थी। अब टपक पे आए जी, टपक पे जी, मेमन साहब जी, मेमन साहब ये जो उल्टे लटकाने की बातें करते हैं ना, इनसे सिर्फ एक बात पूछे कि 614 अरब रुपए के कर्जे जो है नवाज शरीफ साहब ने 1990 में जो है हासिल किए, और सारे इलीगल हासिल किए, जिसमें इत्तेफाक फाउंड्रीज पर जो है वो 1556 मिलियन रुपए, हसीब वकास शुगर मिल पे, ये सब झूठ है और ये चोर मचाए शोर वाली बात, रमजान टेक्सटाइल पे, ये यानी चोर मचाए शोर वाली बात है, ये सब क्लियर हो गए। 373 मिलियन रुपए, ये सिर्फ इसलिए शोर मचा रहे हैं कि शोर पड़ जाए और चोर पकड़ा ना जाए, ये करें हाई कोर्ट में नहीं। 5 मिलियन रुपए हुदैबिया इंजीनियरिंग मिल पे 142 मिलियन रुपए, हमजा बोर्ड मिल पे 153 मिलियन रुपए, हुदैबिया सब क्लियर हो गए, सब क्लियर है, आप भी साथ एक एक पैसा अदा हो गया, एक एक पैसा अदा हो गया, कितने राइट ऑफ करवाए वो भी बताओ आपको, राइट ऑफ अगर 1 रुपया हो तो हम सजा मैं को दिया 1 रुपया, मुझे मौका दे 1 रुपया जो इधर चले गए ना मेमन साहब, मैं बात समझना चाह रहा हूं, ये मेमन साहब का फार्मूला है, चोर जो है ना वो चोर बजाय चोर का शोर डाल, वो मिसाल है कि 100 चूहे खाके बिल्ली चली, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, इनका वो मिसाल है, ओके समझ गई, 100 चूहे खाके बिल्ली आ जाए, आगे चले एक फैक्ट्री, मैं मुझे इजाजत दे, बात सुने, अगर आपके टाइटल इनका कैपेसिटी एक फैक्ट्री की थी और आप 50 फैक्ट्री लगा के और आपने लोन्स लिए और वो आपने राइट ऑफ करवाए, देखिए अगर मेरी भी एक बात, इनकम टैक्स जो है वो मियां नवाज शरीफ का कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक बात मेरे साहब प्लीज, आज लोगों को मैंने मायूस नहीं करना, ये आसिफ अली जरदारी साहब के स्विस शेटोस की बात नहीं है, ना ये शरीफ ब्रादरान के जो पैसे हैं और उनके बैंक अकाउंट से उसकी बात नहीं है, दोनों बड़े अमीर आदमी है और इतने अमीर है कि ये कुछ कोई भी अंदाजा लगाना हम सबका इधर गलत होगा, दैट्स नॉट द इशू। बुखारी साहब के बकौल ये मिसमैनेजमेंट है इनकी, इनकी करप्शन बहुत बुरी है, मुझे आप समझाएं कि इनकी क्या गलती है। मैं देखें, मैं कलेक्टिव बात करता हूं, लेट्स नॉट गो टू द इंडिविजुअल्स, आज अगर आप टॉपिक देखें ना तो कौम को दिखाना है रास्ता, आज कौम ये पूछ रही है और मेमन साहब भी जवाब दें, 2000 अरब जो इस साल इनकम टैक्स पे करेगा वो आज सवाल पूछता है उसका पैसा कहां इस्तेमाल होगा, नंबर टू वो बता रहे तो है सैलाब है, सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं नहीं सुन लेना जी, ये हक बनता है टैक्स पे, दूसरी बात 400 अरब से 500 अरब की एफबीआर की करप्शन चली गई है, व्हाई दे कुडंट स्टॉप दैट इन 4 इयर्स टाइम, तीसरी बात सुन ले, अभी ये कहते हैं कि हमारा पैसा कहां जा रहा है, 18,000 अगर कहीं गाड़ी है गवर्नमेंट की, उसमें से 14,000 गाड़ी का इस्तेमाल गलत हो रहा है, आई हैव द प्रूफ ऑफ दैट, अब कौम डंडे लेके बाहर निकलेगी, सबल प्लेट वाली गाड़ी को मुमकिन है नुकसान पहुंचाए, चौथी बात जब आए थे 30 अरब डॉलर के कर्जे थे, आज 60 अरब डॉलर पे चले गए हैं, तब डॉलर 60 रुपए का था, आज 90 रुपए का है, मकरूज करके हमें ये कहां जाना चाहते हैं, चौथी बात जब ये आए थे उससे पहले एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का डिफरेंस 200 अरब रुपए का था, आज पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, 450 अरब रुपए की खुराक की जवाब मेरे शेख साहब की जानिब जाना है, ये तो सारी गलतियां इनकी हो गई, पंजाब में क्या दूध की नहरें बह रही हैं, पंजाब का सुन ले, वजीर आला ने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर नहीं लेता, पैसे बचा के मैं जाया नहीं करता, स्कूल खोलूंगा, वजीर आला का बाबू शेरदिल 1 करोड़ रुपए की गाड़ियां विदाउट परमिशन ले लेता, लिहाजा वजीर आला को भी अपनी चरपाई के नीचे डांग चलाने की जरूरत है, हाजी लख लख वो भी नहीं है, लेकिन अब ये मक्ता आ गया है, एक चीज पर मैं इत्तेफाक करता हूं कि अंटिल यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल द बाबूज, ये इमरान खान वाला शो, ये एस्टेब्लिशमेंट ने आपको बता दिया है कि स्टिल वी आर स्ट्रॉन्गर देन द पॉलिटिकल पीपल्स, आप कौम को आंखें खोलकर अपने हकूक मांगने हैं, जायज हकूक मांगने हैं,
ताकि यहाँ फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट डेवलप हो। बस अब मैं हल की तरफ आ रही हूँ बारी बारी। शेख साहब, आप मुझे एक बात बताइए, ये बाबुओं और ब्यूरोक्रेसी का जो इशू है, आपने देखा ब्यूरोक्रेसी की तैनातियां जिस तरह वफाक कर रही है वो आपके सामने, आपने बोल दी पंजाब तो चल रहा ही ब्यूरोक्रेसी के बलबोते पे है, इसका क्या हल है? अगर हमारे आज के सियासतदान सारे कह रहे हैं कि यार ब्यूरोक्रेसी बाबुओं का मसला है, करप्शन बाबुओं का मसला, हमसे काम नहीं हो रहा, हल क्या है जनाब? देखिए, अगर मिनिस्टर ऑनेस्ट हो, किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत नहीं है कि वो बेईमानी कर सके। ऐसी नहीं बात, बाबू तो चीज तैयार करता है तो चीफ मिनिस्टर से ओके करा लेता है, वो तो मिनिस्टर को पूछता भी नहीं है। बाबू तो चीज, बात सुन ले, बाबू तो चीज तैयार, एक मिनट, बाबू तो चीज तैयार करता है और प्राइम मिनिस्टर उसमें ओके लिख देता है, वो मिनिस्टर को बीच में पूछता भी नहीं है। लिहाजा मिनिस्टर ऑनेस्ट छोड़ के 100 हज भी कर रहा है, जब बाबू ने मिनिस्टर को पूछना ही नहीं है तो हो द मिनिस्टर कैन कंट्रोल। जी शेख साहब, ऐसे मिनिस्टर को छोड़ देना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो ये कालक मुंह में मिले। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, जब तक चेयरमैन, एमडी या मिनिस्टर और सेक्रेटरी तीनों एक लाइन और लेंथ में ना हो, आज के मीडिया में ये काम नहीं हो सकता। यही वजह है कि मिनिस्टर जो हैं वो अपने पसंद ये गलत बात कर रहे हैं, टोटल गलत बात है ये। शर्जील, मैं तुम्हारी बात सुन नहीं सका और आप जब मदाखलत करते हैं मुझे दुख होता है, मेरे लिए बड़ी कदर है आपकी। नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप मेरे, मतलब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं शेख साहब, लेकिन आपने जो बात की इसमें मैं टोटल डिसएग्री करता हूं। ओके, देखें ना, जब आपका वक्त आए आप कहें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत कहें, आप जरूर कहें। मैं ये कहता हूं कि अगर मिनिस्टर, सेक्रेटरी और चेयरमैन तीनों की लाइन और लेंथ एक हो तभी करप्शन हो सकती है, वरना यह मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि बाज ऐसे इदारों पर ऐसे लोग अपॉइंट किए गए जिनके हाथ साफ नहीं थे। अगर वो वहां साफ लोग होते और वो अपॉइंट किए जाते तो शायद आज हालत ये ना होती। अगर मुझे ये बता दिया जाए कि इस वक्त ये जो 12 बुनियादी इदारे हैं जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी रखते हैं, जिसका अल्टीमेटली, देखें अभी उन्होंने सैलाब का जिक्र किया सरजील साहब ने, मेरा प्रॉब्लम यह है उनकी सारी बात नहीं सुनी। पहली बात, मैं सरजील साहब की मानता हूं कि वो सैलाब था, दूसरी बात मैं नहीं मानता, दूसरी बात मैं समझता हूं कि ये एक बरसाती या जिसे क्या कहते हैं बारिशों का पानी था और जिसको हैंडल किया जा सकता था। अगर प्राइम मिनिस्टर की बहन बैठ के नवाब शाह में या दूसरी जगह पे जो लोग बैठे उन्होंने बेहतर हैंडल किया और लोग हमें मिलते हैं और कहते हैं भी उन्होंने काम किया, प्रेसिडेंट की बहन, सॉरी, तो क्या आप ये समझते हैं जो सेकंड टाइम आपने सैलाब का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं सेकंड टाइम पानी को बारिशों का पानी के साथ। अच्छा, अब मैं वापस एक सेकंड में मतलब आपकी जाने पाऊंगी, दुखी ना होइए। मुझे बुखारी साहब एक बात बताइए, एक बात, ये सुर्ख धमाल से इतना डरते क्यों है सब? वापस टू द टॉपिक, क्योंकि क्या वो होने जा रहे हैं? बुखारी बड़े शरीफ लोग होते हैं, वो भी बेचारे चुप बैठते हैं। शादी कराएं आप, सुर्द माल के पीछे क्यों पड़ गई है? आपको मुबारक हो, शुक्रिया। गुजारिश ये है, शुरू में मैंने कह दिया था, मुझे अफसोस ये है कि मेरे साथियों ने उस थीम को पकड़ा नहीं कि जहां रूलर्स और अवाम का डिस्कनेक्ट होगा इश्यूज इसी तरह के होंगे। मैं आपको दो जल्दी जल्दी मिसालें देता हूं। 18वीं तरमीम का इतना तराना गाते हैं ये, मुझे रहम आता है इन सब लोगों पर। उस 18वीं तरमीम के बाद कहते हैं हमने आइन की असली शक्ल जो है बहाल कर दी, जरा वो बिगड़ी हुई शक्ल में दिखाना चाहता हूं आपको। सूबे का नाम पोलिटिकल बार्गेन के अलावा एएनपी के साथ इसका कोई इशू अवाम का इशू नहीं था ये। उसके बाद पार्टी के सदर को यह इख्तियार दे देना कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जब चाहे सैक कर दें, ये वो कह रहे हैं हमने स्पिरिट बहाल की है। आखिरी मिसाल, उस 18वीं तरमीम में तय हुआ कि वजारतें सेंटर में कम करके सूबों का सदर वजीर आजम को सिटिंग वजीर आजम को जब चाहे सैक कर सकता है। ओके, ये जो वजारतों एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मैं आ रहा हूं, समझ गया मैंने क्या कहा है। वजारतों की तादाद कम की गई 18वीं तरमीम के तहत, अब बढ़ा दिया और चार जो है फिर नई वजारतें क्रिएट करके और उसके ऊपर लगा दिए। ये किस आइन की बात होती है, मुझे ये नहीं समझ आता। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर मुझे एक बात बताएं, ये सब मेरे सवाल का जवाब फिर राणा साहब पे भी आऊंगी, ये डरते क्यों हैं? लफ्ज सुर्ख धमाल से डर गए हैं क्यों? वरना पता नहीं क्यों,
हम तो करने वाले हैं, वरना जो लाइन पर आ गए हमने तो की है, ये लाइन पर आ गए। आपको तो पता नहीं, आपको तो पता नहीं सुरख धमाल होती क्या, आपको तो पता ही नहीं सुरख धमाल क्या। मुझे लगा आप गलत समझ रहे हैं, हमने सुरख धमाल करके आइन बहाल करवाया, जमहूरियत बहाल करवाई है, हमने करके बहाल करवाई है। बिल्कुल, मैंने कब का, मैं इसलिए तो मैं शुरू से परेशान हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं। मैं एनआरकी की बात कर रही हूँ, मैं केओस की बात की, मैंने तो कहा फिर आप सीधी बात क्यों नहीं करते इस वक्त, जो ज्यादा सीधी बात, जो करप्शन का इशू है उसका हल जो है वो अर्ली इलेक्शन है, अर्ली इलेक्शन बस, एंड दैट ओनली पीपल कैन डू। अवाम को मौका दें कि अवाम अपना मैंडेट जो है वो जिसको चाहे दे, और आप लोगों को शऊर दे। अब एस्टेब्लिशमेंट ने अब जो यानी ये इमरान खान को आगे किया, ये सारी चीजें जो है ये सामने आ जाएंगी। जी शेख साहब, आप क्या कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन? इनसे पूछे राणा सनाउल्लाह साहब से, इस आइन और कानून की जो अलमबरदारी के ये बात कहते हैं उसके तहत आसफ जरदारी ने बुरी हुकूमत बनानी है, आसफ जरदारी ने इलेक्शन करवाने हैं, क्या आसफ जरदारी की सदारत में इनको इलेक्शन कबूल है? जी राणा साहब, देखिए बात यह है कि आईन में जो दर्ज है कि अबूरी हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाएगी, अगर अबूरी हुकूमत इंडिपेंडेंट बने और आईन की ट्रू स्पिरिट के मुताबिक आफ्टर मीनिंगफुल कंसल्टेशन वज़ीर आज़म का जो है वो इंतखाब हो, तो प्रेसिडेंट जो है उसका प्रेसिडेंट हाउस के गेट से बाहर कोई इख्तियार नहीं। मैं है एक बात बताऊं, और अब भी मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट जो कर रहा है वो प्रेसिडेंट अपने इख्तियार से नहीं कर रहा, वो एज चेयरमैन पीपल्स पार्टी कर रहा है, और हम भी जो उसके खिलाफ बात करते हैं वो उसकी उस कैपेसिटी के खिलाफ करते हैं। वैसे राणा साहब, एक सवाल आपसे पूछना है, एक सवाल आपसे पूछना है, नैब का चेयरमैन कोई वो लगा दें, फसी बुखारी लगा, आप गलत लगाया, उससे पहले दीदार शाह लगा, आप दुखी उसके हवाले से, अब आप देखें सैफुर रहमान सही था, सैफुर रहमान अच्छा, और बुलंद अख्तर राणा लगा, उसके ऊपर भी शोर मचा, आप तो किसी सूरत वैसे ही खुश नहीं होते। अब जो अबूरी हुकूमत बनेगी, जो नाम आपने, ये यकीन है कि आपने तीनों नाम लिए हैं, ये तीनों गलत लगे हैं, और जो आईन की रूह है उसके अगेंस्ट लगे हैं, ये तीनों शायद आप लोगों को फिर ज्यादा समझ आती है, वो जिस अथॉरिटी को इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को उसकी इंटरप्रिटेशन को वो कर देगी। सैफुर रहमान, मैं रिकॉर्ड पर बात रखना चाहता हूँ, राणा साहब मुझे उम्मीद है कि मेरी तायद करेंगे, उसने सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन की फाइलें नहीं बनाई थी, उसने मुस्लिम लीग नवाज के 33 लोगों की फाइलें बनाई थी जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शामिल थे, इतना वो इंडिपेंडेंट था, जो बाद में फाइलें इन्होंने यूज की हैं, जो फाइल है अभी भी नाब में काफी पड़ी है। हल है अर्ली इलेक्शंस जनाब, शर्जील मेमन साहब क्या कहेंगे आप? पहला हल पेश किया आपने, थैंक यू जी मेमन साहब। अगर जो आप कराएंगे, आपसे कराने पड़ेंगे। देखिए, अगर इनको अर्ली इलेक्शन कराने हैं तो बेहतरीन तरीका है कि ये पार्लियामेंट में जो है तरीके अदम एतमाद ले आए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और अगर इनको वहां पे सक्सेस मिलती है तो फिर बिल्कुल ये करवा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता जो है मैं समझता हूं कि उसको कोई भी कबूल इसलिए नहीं करेगा कि हम लोग बैकडोर से नहीं आए, ना ही हम लोग किसी डिक्टेटर के उसमें के जरिए आए, हम लोग प्योरली पब्लिक के वोट लेकर आए। अच्छा, बैक डोर की बात नहीं, अवामी प्रेशर और प्रोटेस्ट जो है वो भी एक रास्ता है। अच्छा, और उस रास्ते को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जमहूरी रास्ता है, बिल्कुल जमहूरी है, वो गैर जमहूरी नहीं। मैं एक समय, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है जी जी मेमन साहब। अगर इनको अवामी प्रेशर पे इतना भरोसा था और अपने आप पे इनको काबिलियत पे भरोसा था, तब परवेज मुशर्रफ के दौर में इन लोगों ने अर्ली इलेक्शन के लिए क्यों नहीं रस्ते पे निकले? हमने तो स्ट्रगल किया, थ्रू आउट की है आपने भी साथ किया, जनरल मुशर्रफ के 8 साल थ्रू आउट स्ट्रगल किया। सजीद साहब उस वक्त शायद आप सिंध असेंबली में नहीं थे, और दोनों जमातों ने मिलकर किया। मैं राणा साहब आपको अर्ज करता हूं कि उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब को बोलते कि पाकिस्तान में आ जाते, और पाकिस्तान में वो आए थे तो आने नहीं दे रहा था। मियां शहबाज शरीफ आए, मियां नवाज शरीफ आए, किसने आने दिया उनको? अच्छा, महर किसने आने दिया? कौम आज बड़ी परेशान, पता क्यों है? क्योंकि आप लोग मुआयदा करके गए थे। नहीं, कोई मुआयदा करके नहीं गए थे, कोई मुआयदा करके नहीं गए थे। मैं मेमन साहब को भी, मेमन साहब आपसे, मेमन साहब एक बात साझा करना चाहता हूँ। कोई मुआयदा नहीं साहब, वो जारी डॉक्यूमेंट साहब लिए फिर रहे। अच्छा, आए मेमन साहब पाकिस्तान, अगर वो जारी डॉक्यूमेंट, मैं आपके प्रोग्राम के तहत चैलेंज करता हूँ, मुझे कल कोर्ट में चैलेंज करने को जारी डॉक्यूमेंट। मैं आपके, मैं भी इसी प्रोग्राम में आपको चैलेंज करता हूँ।
कहता हूँ जाली वायदा जो है देखें, ये कल उनको आप प्लीज उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कोर्ट में चैलेंज करें कि मैं जाली डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा हूँ। देखें सुन ले मेरी एक मिनट जरा, जहां तक शर्जील मेमन साहब को डिक्टेटरों के रहम और करम पर छोड़कर गए थे, शर्जील मेमन साहब हमसे झूठ बोल रहे, आप डिक्टेटरों से बोलोगे आप वादा करके, सुन लें पहले दो बात कहते थे उस डिक्टेटर ने आपकी 14 साल की सजा क्यों माफ कर दी? सुन ले ना, आप जवाब ले लें। शर्जील मेमन साहब मियां नवाज शरीफ ने जो एप्लीकेशन लिखी थी, जिस एप्लीकेशन के ऊपर उन्हें बैरून मुल्क भेजा गया, वो प्रेसिडेंट को एड्रेस थी और वो कोई मुहदा नहीं था, वो एप्लीकेशन थी, नंबर एक। और नंबर दो, मैं आपको मुल्क का आईन और मुल्क के कानून का हवाला दूं कि एक आदमी जो है जब वो इन कस्टडी हो, वो कोई किसी मुहदे की पार्टी नहीं वो बन सकता, और ना ही उसका कोई लिखा या उसका कोई कहा जो है उसको इंडिपेंडेंटली लीगली यूज़ किया जा सकता है, ना उसको कानून ना उसको आईन तस्लीम करता है। और बाकी रही बात मुहदों की, तो मुहदा एक ही हुआ था जिस मुहदे से पहले दुबई में एक खुफिया मुलाकात हुई थी जनरल मुशर्रफ से 1-to-1, वो आप जरा पता कर ले वो किसकी हुई थी। साद हरीरी ने भी किरदार, नहीं उनकी नेगोशिएशन में कि इनको क्लीन एग्जिट दे दें, इनको निकाल के सऊदी अरब भेजा जाते। देखिए द इशू इज नॉट द मुआयदा, मेरा टॉपिक आज मुआयदा नहीं है, मेरा टॉपिक आज एनआरओ भी नहीं है। फिर मुझे ये बताएं कि 14 साल जिसको कैद दी थी परवेज मुशर्रफ ने, ऑनेस्टली शर्जील मेमन साहब दिस इज नॉट पॉलिटिकल रेटरिक ओवर हियर, अच्छा हमारा एक टॉपिक है जनाब। तो ये शर्जील मेमन साहब जब जनरल मुशर्रफ से आपकी 1-to-1 दुबई में मुलाकात हुई थी, उससे पहले आप पूछ रहे थे इलेक्शन की कमेटी, ये गलत अवामी जदोजहद की वजह से हुआ था। कौम क्या देख रही है, कौम ये देख रही है। अच्छा मेमन साहब एक सेकंड था, खुदा के वास्ते कौम से दोबारा झूठ ना बोले आपके। अच्छा नया मुआयदा चाहिए सबको, नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अवाम के साथ। अब एक सेकंड रुक जाए, अच्छा मेमन साहब प्लीज एक सेकंड, अच्छा हो गया, अच्छा जो डिक्टेटरों के हवाले रहे मेमन साहब, दो तीन चीजें कर दे। दुनिया में आप आज उठा के देख लें, अफगानिस्तान से भी हमारी जो ग्रोथ है, हम 2.3% पे चले गए हैं, दो अफगानिस्तान से भी कम हो गई है, और हम आलमी बकारी पिछले 4 साल में बन गए हैं। दूसरी चीज, जिनके भी 97 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं जैद के बकर के, कंडीशन कर दे वो वापस लाए। तीसरी चीज, जिसका भी गैर मुल्की पासपोर्ट है वो ना सियासी हैसियत ले सकता है पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान का कोई मुलाजम बन सकता है, आपको भी परेशानी शायद हो। चौथी चीज, अगर गैर तरक्याती अखराजात आज मुल्क के कुल आपका 2700 अरब का बजट है, उसमें से 2300 अरब गैर तरक्याती है, गुलशर्रे उड़ रहे हैं, उनको खुदारा अदा करें, पाकिस्तान की मुआश की फिक्र करें। अगर सिर्फ KESC PIA रेलवे और स्टील मिल की चोरी बंद हो जाए, 400 अरब रुपया बचे पाकिस्तान के 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। एक बात मैंने अभिषेक साहब से भी पूछना है, मगर एक बुखारी साहब, इन्होंने कहा अर्ली इलेक्शंस, एक नया मुआयदा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अवाम के साथ, राइट? नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, या तो तहरीक आदम एतमाद लाएं जैसा मेमन साहब ने कहा, या तो सदर का मुआवजा कराएं। दोनों चीजें नहीं हो सकती, ठीक है, दोनों की मेजोरिटी सेनेट में भी है, इधर भी है, ये चीजें होती भी नजर नहीं आ रही। तीसरी ये चीज है कि कुर्सी खाली कराई जाए और वो गैर जमहूरी कुवतें जो है, वो गैर जमहूरी नहीं, पब्लिक प्रेशर जो है, उसके दो तरीके हैं। इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ये असेंबली डिसॉल्व कर दे पंजाब की और 100 MMLजो है वहां से रिजाइन कर दे। तो कंवर दिलशाद ऑन रिकॉर्ड है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज 1/3 खत्म हो जाए किसी वजह से तो फ्रेश इलेक्शन होते हैं, ये किसी ने चैलेंज नहीं किया, इसको फैक्चुअल बात है। दूसरी बात, अवाम का प्रेशर हमेशा किसी दुनिया के मुल्क में, चाहे वो अमेरिका जैसी सोफिस्टिकेटेड सो कॉल्ड सोसाइटी क्यों ना हो, अवाम का प्रेशर इज द मोटिवेटिंग फैक्टर
फॉर चेंज। आवाम तो प्रेशर ही नहीं डाल रही, क्यों डालेगी? अब डालेगी, अब वो यहाँ देखे, बीमारी देखे, तालीम नहीं। आप आवाम से कहें कि वो प्रेशर डालें, आप डालेंगे, आप सुर्ख दमाल में उनको कंफ्यूज ना करें। सुर्ख दमाल क्या है, आप फिर उधर से गोल चक्कर काट के फिर आके उधर खड़े हो। मैं कहती हूँ प्रेशर डालें तो आप कहते हैं अपनी जमात खड़ी कर लो, मैं कहती हूँ प्रेशर ना डालें तो फिर आप एजेंट है। क्या बात कर रहे हैं, नाश्ते के लिए क्या खाया? सुने एक बात कर दे, आप इसका नाम सबज दमाल कर दे, सुरख नहीं, आप जमहूरी दमाल कर दे, जमहूरी दमाल करें, हाँ जमहूरी दमाल कर दे, लेकिन दमाल की अब जरूरत आ गई है, चेंज इज रिक्वायर्ड। और मैं जमहूरी दमाल आप कराएंगे, आप कराएंगे, हमने तो शुरू कर रखी है, कर दिया, वो खान साहब ने भी शुरू किया है ना, खान साहब ने भी शुरू कर दिया जमहूरी दमाल। नहीं, खदारा जलसे जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के बलबोते पे ना करें पाकिस्तान में। एस्टेब्लिशमेंट, एक सेकंड, बुखारी साहब लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रही हाँ या ना, सबूत ना आपके पास है ना मेरे पास है, एक सेकंड, मालूमात है, सबूत के बगैर एक बात, एक तो उनका कोई बंदा नहीं बैठा इधर सपोर्ट करने के लिए, दूसरी बात मैं ये आई एम नॉट रूलिंग आउट, आई एम नॉट रूलिंग आउट, आई एम जस्ट सेइंग कि आप 1 लाख बंदा मिनारे, आप 1 लाख बंदा मिनारे पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जमा नहीं कर सकते। मेरी कमली बेटी बासन, चोने वाले लोग कहते हैं कि चोने वाला पिंड पराली तो नजर आता है, जब सिर्फ सियासी लोगों के मुहासबे की बात की है, जब से पाकिस्तान बना है तो ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ने की है। बुखारी साहब प्लीज, मुतालबा ही उनका है सिर्फ। एक बात मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, ये अचानक नहीं हुआ, 15 साल की काविश भी है। एक तो ये, और दूसरा ये कि वो मुसलसल कह रहे थे, ये नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट कर पाएगी कि नहीं कर रहे, वो कह रहे थे कि मैं वार्न करता हूँ कि मैं लाहौर में आऊंगा और सुनामी आएगी। एक तो जमहूरी कुवतों को, जमहूरी पार्टियों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि समबडी कैन गैदर सो मेनी पीपल। अच्छा ओमन उसमें यह है कि लोग फॉर ए चेंज अब आने पर आमादा है, उसको चाहिए कि ये कैप्चर करके अपने पीछे लगाए, खुद लीड करें उनको या उनके साथ मिलकर जाए, जो भी सूरत हाल हो। ये जमहूरी दमाल इमरान खान डालेगा या मियां नवाज शरीफ की क़यादत में डालेगा? नहीं, ये तब्दीली नविश्ता है, दीवार है, कौन लेके आता है? कोई मोहम्मद बिन कासम आ जाएगा, लिहाजा डोंट नेम के ये लाएगा या ये लाएगा, ये मीरास नहीं है। जैसे वजीर आजम ने चंद दिन पहले कह दिया कि मियां साहब आप इंतजार करें, आपकी बारी आएगी तो ले लें, वजीर आजम साहब कौन होते हैं कहने वाले कि वजीर आपकी बारी आ रही है तो आप ले लें? ये जमहूरी जबान है। ये मेमन साहब से ये सवाल पूछे, वजीर आजम या सदर कोई भी इस कैपेसिटी में कह सकता है कि आपकी बारी का इंतजार करें? क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि बारियां लेनी है इन लोगों ने? लिहाजा अब एक इसलाह की जरूरत है, तब्दीली नविश्ता दीवार है, बेहतर तब्दीली आएगी और ज्यादा दूर नहीं। आपकी बारी, उन्होंने कहा कि अगर आवाम ने आपको चुना और आपकी बारी, ये बात में उन्होंने कहा जब हमने मुतालबा किया, अगर आपने चुना, अगर आपने चुना, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये बात में उन्होंने कहा जब हमने क्रिटिसाइज किया तो ही चेंज। आज के इस प्रोग्राम से उन्होंने कहा कि अगर जो मैसेज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को देना चाहिए था वो ये था कि आवाम खुले हुए हैं, उनको लीडरशिप अगर वो मुहैया कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अल्लाह जी अल्लाह हाफिज, यानी कि चूज कर सकते तो करें वरना डन, वरना वो एक तरफ हो जाएंगे, आवाम आगे निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेमन साहब, बुखारी साहब, राणा साहब, आपका भी मुगल साहब और शेख साहब। नाजरीन, आपने ये बात सुनी, सारी गुफ्तगू सुनी, यकीनन आप समझ चुके होंगे कि तब्दीली कहाँ से आएगी, तख्त सुल्तान से तो नहीं आएगी, आपसे ही आएगी, आवाम से ही आएगी। इसके लिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, हमें लिखना ना भूलिएगा। चले, सी यू ऑल अगेन, दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।